हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से नए ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। जो जैसा कि आप लोग को पता ही कि कजाकपुरा में आरओबी का काम किया जा रहा है, जो 2025 तक स्टार्ट कर दिया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का सबसे ऊंचा ओवरब्रिज होने वाला है, जो कि यह बनारस में बनाया जा रहा है। और यहाँ पर दो रेलवे लाइन के ऊपर से ब्रिज को बनाया जा रहा है, जो कि यह ब्रिज का हाइट 90 फीट होने वाली है, जो यह पूर्वांचल का सबसे ऊंचा ओवरब्रिज होने वाला है, जो कि यह बनारस में बन रहा है। और यह आपके आवागमन के लिए बहुत ही सुविधा होने वाला है, जो कि आपको जाम से मुक्ति मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि सामने में ओवरब्रिज का जो रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ, यहाँ सामने में थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, सामने में देख सकते हैं वहाँ पर। और चलिए हम आपको भी और पास से दिखाते हैं यह ओवरब्रिज कैसा बन रहा है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो कि यह ओवरब्रिज का जो डिजाइन बनाया गया है, यह राजघाट के से मैच करता है और यह कैंट की तरफ रास्ता होते हुए जाएगा और यह सामने आपका पुराने पुल की तरफ चला जाएगा। और सामने देख सकते हैं यह ओवरब्रिज का जो एक साइड का ढलाई हो चुका है, जो कि इस साइड का अभी बाकी, जो कि यह इस साइड से भी गाड़ी का आवागमन चालू कर दिया गया है, जो कि वहां पर देख सकते हैं आप। तो यह सामने में देख सकते हैं, यह सीधे कैंट की तरफ चला जाएगा। और आपको चलिए अभी और आगे ले चलते उस तरफ, जो कि रेलवे ओवरब्रिज के ऊपर जो बनाया जा रहा है ब्रिज। तो देख सकते हैं यह जो आपका इस साइड का भी जो रेलवे ओवरब्रिज का काम किया जा रहा है बहुत ही जोरों शोरों से। और सामने में देख सकते हैं यह जो कि लोहे का पिलर लग के सारा ढलाई हो चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह सामने में देख सकते हैं राजघाट का जो पुल का शेप का बनाया गया है। यहाँ सामने में देख सकते हैं अंडरग्राउंड रोड बनाए, जो कि आपको रेलवे लाइन के नीचे से होकर उस पार तक चला जाता है, जो कि आपको आगे लेके चलते हुए दिखाते हैं अभी। यहाँ देखिए, इस गली से आपको जाना होगा, जो सामने में यहाँ देख सकते हैं टीन के शेप का बना हुआ, इसके नीचे से अंडरग्राउंड बनाया गया है, जो कि यहाँ का इस तरफ का रास्ता आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, जो कि इसमें बाइक और यह टेम्पो भी चला जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पैदल भी सभी लोग जा रहे हैं इस तरफ से उस तरफ। और ऊपर से एक खतरा बना रहता है ट्रेन का आने का और गिरने उड़ने का, यह कि नीचे से जा। और सामने में देख सकते हैं यहाँ पे अभी पेंट का काम किया जा रहा है, जो कि अभी शुरू है। और यहाँ सामने ऊपर देख सकते हैं जो चित्र बनाया गया रेलवे ओवरब्रिज का, जो कि आप इस ऊपर से ट्रेन जाता है इसके ऊपर से। और यह सामने में टनल देखिए इस तरफ निकल चुका है, जो कि सामने ऊपर जो बाहर की तरफ जा रहा है, यह टनल यहाँ से निकलते हुए सीधे ऊपर की तरफ जाता है, जो कि यहाँ पर सामने में ब्रिज आपको देखने को मिल सकता है। यह देखिए पूरा लोहे का ब्रिज बनाया गया है, जो कि इसमें बहुत ही समय लगा है ऐसा ही। और पूरे वीडियो देखना तो प्रोफाइल में आप जाकर देख सकते हैं लास्ट का वीडियो ब्रिज को बनते हुए। और सामने में देखिए यह ब्रिज का काम कंप्लीट हो चुका है, जो कि यहाँ सामने देखिए जेसीबी से एक जनरेटर को उठा के ले जाया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा जनरेटर है। यहाँ पर काम हो खत्म हो चुका है, तो जनरेटर को ले जाया जा रहा है। आपको यहाँ नीचे से देखे सारा काम कंप्लीट हो चुका है। यह सामने में जो डबल पिलर का काम किया जा रहा है, जो कि बीच में से आवागमन के लिए बहुत ही सुरक्षा है। चलिए आपको और आगे लेके चलते, जो कि रेलवे ब्रिज के ऊपर से ब्रिज को बनाया जा रहा है। और यहाँ देखिए, जो कि अभी काम चल रहा है, बहुत ही जोरों से बड़े बड़े जैसे भी यहाँ पर खड़े हैं काम हो रहा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यह पिलर नंबर 31 है, जो कि आपको सामने में पिलर नंबर 30 भी दिखाई दे रहा है, जो कि यह सामने में पिलर घटता चला जाएगा, जो कि यह सामने में जाके एक पिलर का भी हो जाएगा। पिलर नंबर 1 और 3 का जो एक ही पिलर का बनाया हुआ है, जो कि वहाँ पर कोई काम नहीं उसका। तो यहाँ पर देखते हैं ये जो इसका हाइट है ये 80 फीट है, जो कि अगले वाले पिलर का हाइट 90 फीट है। और उसके बाद एक पिलर और लगेगा, जो कि वह हाइट 100 फीट होने वाली है, जो कि इस ब्रिज के ऊपर से ब्रिज को ले जा रही, इसलिए इसका हाइट 50 फीट है, तो उसका भी डबल किया जाएगा 50 फीट, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट होने वाली है, जो कि पूर्वांचल का सबसे ऊँचा ओवरब्रिज होने वाला है। तो ये देख सकते हैं यह जो रेलवे ओवरब्रिज है, इसके ऊपर से ब्रिज को बनाया जाएगा। यह देखिए ब्रिज का, जो कि यह 4 मंजिला के बराबर में आ चुका हुआ है। सामने में देख सकते हैं यह ब्रिज जो कि पेड़ से भी ऊपर हो चुका है। और अगला ब्रिज भी जो पिलर बनाया जा रहा है, देखिए सामने जैसे भी लगा हुआ है,
यह पिलर नंबर 19 और पिलर नंबर 18 सामने में आपको ऐसे ही पिलर जो कि डाउन होते हुए चला जाएगा। जो पिलर नंबर 17 देख सकते हैं, यह थोड़ा डाउन हो गया। पिलर नंबर 16 उससे भी डाउन है। यह देखिए लोहे का जो कि यह पिलर रखा हुआ है, इसको भी क्रेन की मदद से ऊपर उठा कर रखा जाएगा। यह सामने में देखिए जैसे भी आ रहा है, इसकी मदद से इसे ऊपर उठाया जाएगा। अभी तो सामने में देख सकते हैं कि जो यह इसमें बहुत सारे नट लगे हुए हैं, जो कि यह इसी के सपोर्ट से यहाँ पर ऊपर रखा जाएगा। अभी जो खाली सामने वाला देख सकते हैं जो कि रख चुका हुआ है। यह पिलर नंबर 15 के पास में है जो कि 14 तक काम हो चुका है। पिलर को पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, जो कि उस पर RCC का ढलाई अभी शुरू हो रहा है, किया जा रहा है। जो कि देख सकते हैं सामने में जो कि प्लाई वलाई लगा कर पूरा ढलाई कर दिया गया है। जो कि यह सामने में देख सकते हैं बड़ा वाला क्रेन है, इसकी मदद से सीमेंट को पाइप के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा है। जो कि यह सीमेंट वाला मिक्स करने वाला यह मशीन ट्रक यहाँ पर खड़ा है अभी। तो यह सामने देख सकते हैं जो कि इस ट्रक की मदद से कंक्रीट को मिक्स करके यहाँ पर लाया जा रहा है, जो कि यह ऊपर पाइप की मदद से लाया जा रहा है। जो कि सामने ऊपर देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सीढ़ी लगा हुआ है, जो कि इस पे से लोग जा रहे हैं ऊपर नीचे मजदूर लोग। पीछे की साइड देख सकते हैं आपको पूरा गली की तरह हो गया। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर से करें। ऐसे ही वीडियो के लिए 1 मई 2024 का वीडियो है।